इंपॉर्टेंट है निधानी सा निधा पा सा। अब सबसे मुख्य स्वर संगति जिससे राग अलैया अलैया बिलावल बनता है बिलावल और अलैया बिलावल में दिस इज द ओनली डिफरेंस। दो अलग अलग राग हैं, लोग सोचते हैं कि राग अलैया बिलावल और बिलावल एक ही बात का नाम है, ऐसा नहीं है। बिलावल अलग राग है, अलैया बिलावल बिल्कुल ही अलग राग है। फर्क क्या आ गया, बिलावल में सारे स्वर शुद्ध हैं, यानी कि बिलावल में जो राग बिलावल है उसमें नी सिर्फ शुद्ध नी लगता है, कोमल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। अलैया बिलावल में कोमल भी आता है, जैसे धानी ये वाला नी धानी धापा, तो इसका पर्टिकुलर एक फ्रेज है कोमल नी लेने का, कौन सा धानी धापा, धानी धापा बोलिए सानी धापा, सानी धापा। पहले शुद्ध आता है ब्रो में, फिर कोमल आएगा, सानी धापा भी लेते हैं कई बार, रे रे गा पामा गा, ये भी मेन खंड है, रे गा पामा गा। यहाँ पे जो प और मार गा जो आ रहा है वो बड़ा मार्मिक लगेगा सुनने में आपको, रे गा पामा गा। और अवरोह में ध ग की संगति भी आती है, जैसे सा नि ध प ध ग, ये भी मेन चीज है, सा नि ध प ध ग। कुल मिला के क्या बनता है इसका स्ट्रक्चर, पहला ग रे ग प बोलिए, निधानी सा सानी धा प सानी धा प धानी धा प धानी धा प धागा, सानी धा प धागा मारे सा। अभी चीज में रे गा पामा, ये पर्टिकुलर बिलावल में ये चीज आती है, रे गा पामा, कहीं ना कहीं ये वाला जो फ्रेज है बिलावल अंग को भी दिखाता है, रे गा पामा गा मा